वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर आपका जो एनसीईआरटी का है 1.11 इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम आज पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में, क्या होती है डाइपोल। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या होता है फ्लक्स। फिर हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल, और फिर जो हमने फ्लक्स 2D और 3D प्लेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर कुछ समझ नया हो, रिवाइज करना हो, तो उस वीडियो को देख लीजिए, बाद में बढ़ते हैं आगे। तो ये वाले वीडियो में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें याद रखने होंगे और कैसे सवाल इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको आप बोलूँ तो 5 स्टार आउट ऑफ मैं 7 स्टार दूँ इसको। ठीक है, तो उसके ज़रिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में आपको क्या क्या याद रखने हैं और कौन एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपनी नोट्स में। तो जब आप वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आप क्या करिएगा, इस नोट्स का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं आप लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा ही, तो वहाँ से आप निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, ताकि जब वीडियो शुरू करें तो आपको कुछ भी पॉइंट्स लिखना हो तो आप अपने आप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको डाइपोल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया, और बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है इसके बारे में। फिर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, फील्ड एंड पोटेंशियल। वैसे पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे आप चैप्टर 2 में, और फील्ड के बारे में आप पढ़ोगे इसी वीडियो में। ठीक है, एक्सिस और इक्विलेटर, सॉरी इक्वेटर पे क्या होते हैं वो चीज़ हमें देखनी है थोड़ी। और थर्ड हम जो पढ़ेंगे अपनी बढ़िया मेथड शॉर्टकट, हम कैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहला सवाल हमारा उठता है, क्या होता है डाइपोल। आइए समझ लेते हैं डाइपोल को। देखो, हम एक सिस्टम बनाते हैं, उसमें हमने क्या करा, एक चार्ज लिया क्यू, उसने चार्ज लिया पॉजिटिव क्यू, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट साइन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दिया फिक्स। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये कुछ एक सिस्टम बन गया। क्या बन गया सिस्टम, ये हमारे आसपास होता है, ये मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होता है। मैं H2O की बात करूँ तो H2O में क्या होता है, CO की बात कर लो आप, कार्बन मोनो H2O हो गया, ये हो गया H, ये हो गया O2। ठीक है, तो नेगेटिव ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये भी क्या वही हुआ ना, एक जो चार्ज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक डिफाइनेट डिस्टेंस पर एडजस्टेड है। तो ऐसी जो सिस्टम बनती है, जो कुछ ऐसा सिस्टम बना ऐसा, तो इसी सिस्टम को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे आसपास होते हैं मॉलिक्यूल्स में, हमें ये दिखने को मिलता है, प्रॉपर्टीज वहाँ पे मौजूद होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में। यहाँ पे देख लो H2O, तो यहाँ पे एक माइनस है, एक पॉजिटिव है, एक माइनस एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या वही होगा ना सिस्टम, अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड है ना, अपोजिट साइन, फाइनाइट डिस्टेंस, ये भी क्या हो गया डाइपोल। तो मतलब डायपोल की मैं परिभाषा बोलूँ, एक डेफिनेशन बोलूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कैसे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसे सिस्टम को जो सच अ सिस्टम, यहाँ पे वर्ड ऐड कर लो, सच अ सिस्टम, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वेक्टर है। क्या है ये, वेक्टर है। तो उसको हम डिनोट करेंगे एरो के जरिए। अब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल में होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, दो चीज़ आप याद रखो, वेक्टर है तो पहला होगा डायरेक्शन क्या होगी वो याद याद कर लो आप डाइपोल में, दूसरा याद करो उसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड की बात करो आप। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा इस सिस्टम के लिए क्यू इंटू टू ए। क्या लिखा जाएगा, क्यू इंटू टू ए, और इसका यूनिट होगा क्यू, क्यू क्या होता है कूलम, और ए जो अपना डिस्टेंस लिया हो उसका होता है मीटर। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम इंटू मीटर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है, इसको समझ, वैसे बुक में नहीं है, थोड़ा समझने के लिए मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखो दो टू क्यू चार्ज लिए, कितने लिए, दो टू क्यू चार्ज, एक लिया क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज लिया हमने। तो ये इसका एक माइनस चार्ज
होगा इसके साथ एडजस्टमेंट, और दूसरा चार्ज होगा इसके साथ एडजस्टमेंट, जो प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया सिस्टम एक, ये हो गया एक सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगी, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी। तो डायपोल मोमेंट कैसी होगी, माइनस से प्लस हो गया पी वन, ये माइनस से प्लस हो गया पी वन। लेकिन डायपोल मोमेंट वेक्टर होने की वजह से यहाँ पे एक नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी, तो हम उसको रिजल्टेंट ही ऐड करेंगे बाय यूजिंग वेक्टर सम। क्लियर हुआ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम इसको यूज़ करा हुआ है, सब बुक में नहीं है, समझने के लिए हमने ये लिया हुआ है। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे हुई, ठीक है। अब जो आगे आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है और सवाल उसके ऊपर से आते हैं, वो अपनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो ये अपनी हो गई डायपोल, देखो यहाँ पे ये डायपोल का हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ऑन एक्सिस, क्या है ये ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस, ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी, जहाँ पे चार्ज माइनस क्यू रखा प्लस क्यू रखा, ये हो गई उसकी एक्सिस, ये हो गया उसका इक्विटोरियल। तो हमने क्या करा, ये ओरिजिन मान लिया जीरो जीरो सेंटर से, डायपोल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ अ डायपोल, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेंटर से कोई पॉइंट लिया आर अंतर पे, पॉइंट पी नाम दे दिया, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर टू ए है, देख लेते डायपोल मोमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो टू ए अपना क्या है, यहाँ पे जो दोनों चार्ज के बीच जो अंतर है डिस्टेंस, वो टू ए अपना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, टू ए, लेकिन ये सेंट्रोइड है तो ये अंतर कितना होगा ए, और यहाँ से ये यहाँ एक्सिस पर पॉइंट पी है, जो हमने अंतर उसका डायरेक्ट लिया है सेंटर से आर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस क्यू चार्ज की वजह से और इसकी वजह से। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अंतर कितना है, ये अंतर कितना होगा, ये अंतर अपना हो जाएगा कुछ आर माइनस ए, और ये जो अंतर होगा अपना आर प्लस ए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड एज वेल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर है, उसे मैंने आपको बताया, हम पढ़े आगे, ये प्लस के लिए ये माइनस के लिए, इसका हमने एलसीएम लिया के क्यू निकाल लिया बाहर, है ना, कॉमन चीज है इसको निकाला तो बाहर, तो कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप कट करा हुआ है, इसको हमें एलसीएम ले लिया, तो हमने क्या बचेगा, टू आर है माइनस इंटू टू आर है, तो ये अपना हो गया फोर इंटू आर है। यहाँ पे ये आप अंतर देखोगे दोनों चार्ज के बीच का अंतर बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयरिंग टू आर, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, इसको इग्नोर कर लो, जीरो कर लो इसको, इसको हमने जीरो कर लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने जीरो कर लिया, तो ये अपना आया कुछ ऐसा के क्यू फोर आर है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो हमको जुगाड़ लगा रहे हैं, जो अभी लगाएंगे आगे, ये जुगाड़ हमारा क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। तो देखो यहाँ पे क्यू भी है और टू ए यहाँ से बन जाएगा, तो हम पी को डाल सकते ताकि हम इसको और भी शॉर्ट कर सकें। तो देखो आर से आर कट गया, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा बचा, तो नेक्स्ट तुम्हारा बचा तो नेक्स्ट ये हो जाएगा अपना, मैं देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, कटेगा आर सर कट गया तो आर क्यूब हो गया। अब देखो टू के तो था टू, टू ये था के था, और ये हो गया अपना पी, टू के पी बाई आर क्यूब इन टू आर कैप। तो आर कैप गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिली, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू के पी बाई आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब इन टू पी के। इसका मतलब क्या हुआ, इन डिरेक्शन ऑफ, इन डिरेक्शन ऑफ पी, डायपोल मोमेंट की डिरेक्शन में, ठीक है, डायपोल मोमेंट की डिरेक्शन में हमने ली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में देखिए, वैसे ही लिया हमने कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ से ओरिजिन से हमने आर अंतर पे पॉइंट पी लिया, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसे होगी और पॉजिटिव के लिए कुछ फील्ड ऐसे होगी। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, ये सारे सवाल जो है न्यूमेरिकल इसी साइन कन्वेंशन से होते हैं। तो लेफ्ट साइड जो होगी डिरेक्शन वो तुम्हारी नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड हो ली जाएगी पॉजिटिव,
और राइट हैंड साइड तुम्हारी ली जाएगी पॉजिटिव एंड अपवर्ड ली जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर थीटा ये हो गया, थीटा ये, थीटा ये। तो इसको आप देखें यहाँ पे हम कंपोनेंट गिराते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये तुम्हारा हो गया कंपोनेंट, ये भी कुछ ऐसे, ये ऐसे आएगा नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, नेट ऐसे। तो इसे कंपोनेंट कैसे हम देखो, ये होगा अपना नेगेटिव चार्ज की वजह से ई क्यू कॉस थीटा, ई कॉस थीटा सेम उसी दिशा में होगा ई साइन, ई कॉस थीटा प्लस वाले के लिए, क्लियर हुआ। और नेगेटिव आप देखोगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों ही सेम होंगे। तो क्या होंगे, दोनों के कंपोनेंट का हमें सम करना है, सिंपल। क्या करा हमने, सम करा, जो नेगेटिव आया यहाँ पे, तो नेगेटिव जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी है, लेफ्ट साइड में, इसलिए मैं क्या लिया, नेगेटिव लिया। कि मैं आगे समझाऊंगा, अगर मान लो तुमने प्लस यहाँ पे लिया होता और माइनस यहाँ पे लिया होता तो ऐसा आता, तो आप बहुत सवाल होता सर यहाँ पे क्यों नहीं होता, आगे मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी आगे मैं लूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, तो के क्यू बाई आर एस वही चीज़ लिखनी घुमा फिरा के, ये अंतर कितना हो जाएगा, ये अंतर तुम्हारा होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये आर है, ये ए है, यहाँ से इतना ये है, तो ये हो जाता है तुम्हारा आर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना अंतर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर रूट कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर आएगा तो रूट कट जाएगा दोनों का तीन, ठीक है, प्लस के क्यू बाय वही चीज़ लिखी है मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा ए डिवाइड बाय आर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू होल इंटू सॉरी अंडर रूट में पूरा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखो मैं ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो उसको सिम्प्लीफाई करते ही हो जाएगा पावर 3/2 ए बचा। अब आर वैसे ही जो आर है बहुत ही बड़ा है कंपेयरिंग टू ए, तो इसको हम कर देंगे, कर देते हैं नेगलेक्ट। तो यहाँ पर ये कट गया, तो ये देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 0, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 3 बचा, तो के क्यू इंटू 2 ए, तो क्यू इंटू 2 ए हमारा हो जाता है पी, क्या होता है पी, तो के पी इंटू के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है, ये होगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल। तो यहाँ पे आप देखोगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव आई के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डायपोल मोमेंट जो है उसके बिल्कुल अपोजिट आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन कुछ ऐसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली किसे, हमें ऐसे मिली नेट, इसलिए इस माइनस का मतलब ये होता है। अगर आप माइनस यहाँ पर लेते प्लस यहाँ पर लेते तो फील्ड कैसे आती, यहाँ पर आती, तो डायपोल मोमेंट कैसे होती, ऐसे होती, तो भी आपको क्या रखना होता है, यहाँ पे माइनस रखना होगा, तो माइनस का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी बुक वाली मेथड, तो बुक में आपको ये दिया है, तो आपको याद क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है आपको याद यहाँ से रखना है कि एक्सिस है तो आप याद रखोगे 2 kp/r³, और अगर इक्विटोरियल है तो आप याद रखोगे kp/r³। ये रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। अब इसको याद नहीं रखना है तो मेरे पास एक और भी मेथड है, से बोलते हैं शॉर्टकट, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करा है ना, कि एक्सिस के लिए 2 kp/r³ होगा और इक्विटोरियल के लिए मैंने लिखा है शॉर्ट में माइनस माइनस kp/r³। आपको याद क्या रखना है, इक्विटोरियल के लिए जो फील्ड होगी वो डायपोल मोमेंट के बिल्कुल ही अपोजिट होगी, ठीक है। देखिए अब हम सीखेंगे किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए डायपोल मोमेंट, रैंडम पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर डायपोल किसी भी डायपोल के ऊपर रैंडम पॉइंट रखा है थीटा एंगल पे, पॉइंट भी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें सीखना है। तो ये हो गई डायपोल मोमेंट, ये क्या हो गई डायपोल मोमेंट पी, क्या हो गई डायपोल मोमेंट पी। तो मैंने यहाँ पे उसके 2 कंपोनेंट लिए थीटा पे, देखो ना थीटा एंगल, ये हो गया इसका पी कॉस थीटा और ये हो गया इसका पी साइन थीटा, समझ आ रहा। अब यहाँ पे 2 इंडिविजुअल डायपोल हो गए, डायपोल P1 और डायपोल P2। अब डायपोल P1 की बात करूँ मैं, तो डायपोल P1 जो पी कॉस थीटा है तो उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी 2 kp cos θ/r³, जो एक्सिस पे होती है उसके लिए लिखा जाएगा ना 2 kp/r³, समझ आ रहा है। तो ये जो डायपोल बनी उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो लिखा जाएगा 2 kp/r³ × cos θ। अब दूसरी डायपोल है वैसे ही वो पॉइंट पी पे, वो कैसे, वो भी वो है इक्विटोरियल पे, समझ नहीं आ रहा है, समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पॉइंट P2 है, सॉरी डायपोल P2
तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पे अ पॉइंट भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लिखी जाएगी, उसके अपोजिट डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिखी जाएगी के पी बाई आर क्यू। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के पी बाई आर क्यू, तो वैसे ही के पी, तो पी यहाँ पे क्या है, इससे डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या है, साइन थीटा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो डायपोल्स हैं, दो इंडिविजुअल डायपोल है पी वन एंड पी टू, तो उसी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, डायपोल जो अपनी कैसी है वेक्टर है, तो इसकी वजह से डायपोल होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालनी इस पॉइंट पर कैसी है वेक्टर है, तो ये टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, तो हम बस इसे क्या कर रहे हैं वेक्टर सम कर रहे हैं, कुछ ऐसे होगा। देख लो यहाँ पे के पी बाय आर क्यूब दोनों में कॉमन है, कैसा है, देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कॉमन चीज़ है, इसको निकाल लिया कॉमन, ये निकल गया कॉमन, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ रैंडम पॉइंट, तो लिखा जाएगा के पी बाय आर क्यूब वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया रैंडम पॉइंट, अगर ये दोनों आपको याद नहीं रहते हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया कुछ ऐसे, तो आप देखोगे चेक भी करोगे आप, मान लो अगर एक्सिस की आप बात करोगे तो एक्सिस पे ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो कोस जीरो क्या होता है वन, तो थ्री प्लस वन फोर, तो अंडर रूट में क्या आएगा टू के वी बाई एक्स क्यूब, जो सॉरी आर क्यूब, जो क्या है वैलिड है। अब देखोगे आप इक्विटोरियल, तो ये क्या हो जाएगा अपना 90 हो जाएगा थीटा, तो साइन 90 होता है वन, ये हो जाएगा जीरो, तो क्या है वैलिड है। ठीक है, तो इसको याद करिए, और जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।